अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस, आज हम बात कर रहेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको कब बनाया गया था, किसने बनाया था और उसकी जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज। दरअसल कंप्यूटर जो है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड लैटिनी जुबान की किसी लफ्ज से लिया गया है। लैटिन वर्ड कंप्यूटर, जिसको इसको लातिनी में किसी तरह कंपूथारी की तरह, इसी तरह कंपूथारी इसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है, विच मीन्स टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट, मतलब शुमार करना या हिसाब करना, किसी चीज को शुमार करना। और इट वॉज डेवलप्ड बाई चार्लिस बेबेज इन 1833। चार्लिस बेबेज ने इसको 1833 में बनाया था। चार्लिस बेबेज जो कि एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1833 में बनाया था। उन्होंने इस पर 1822 में काम स्टार्ट किया था। 1822 में उन्होंने इस पर काम स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था, उन्होंने डेवलप कंप्लीट डेवलप किया था इसको 1833 में। और उसी को उन्होंने नाम दिया था एनालिटिकल मशीन, जिसका नाम था एनालिटिकल मशीन, जिसको एनालिटिकल मशीन का नाम दिया गया था। वही दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जो चार्लिस बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस दैट डेटा, गिव्स आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोर दैट डेटा फ्रॉम फॉर फ्यूचर यूज। मतलब कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो डिवाइस है जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट डेटा लेता है, मतलब यूजर से, जो हम जो कोई भी उसे यूज कर रहा होता है वो उस यूजर से इनपुट डेटा लेता है, उसी डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब जो भी ऑपरेशन हम चाह रहे होते हैं कंप्यूटर से वो ही प्रोसेस कर रहा होता है उस पर, गिव्स आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट देता है, जो भी हमें चाहिए होता है आउटपुट, जो भी ऑपरेशन के बाद जो भी आउटपुट मिलता है वो हमें देता है, एंड स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज, उसी डेटा को आइंदा फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि कंप्यूटर के जो है फुल फॉर्म कंप्यूटर का क्या होता है और उसका मतलब क्या है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पजली और पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन के आमतौर पर, या कॉमनली जो है जनरली एक ऑपरेटिंग मशीन है जो हमारे लिए डेटा को ऑपरेट करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारे लिए। और पर्पजली और पर्टिकुलरली, कुछ लोग इसको पर्पजली यूज करते हैं, कुछ लोग इसको पर्टिकुलरली यूज करते हैं, तो मेन लिए पर्पजली यूज होता है, दोनों सही है, आप जो भी यूज कर रहे हैं, मतलब खास तौर पर या पर्पजली पर्टिकुलरली जो यूज होता है, यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, मतलब टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी यूज होता है पर्पजली, और एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी यूज होता है। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, अब टेक्नोलॉजी जितने भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो सब कंप्यूटर से ही तो कंट्रोल होते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में ये सब यूज होते हैं, कंप्यूटर यूज होता है पर्पजली, और एजुकेशनल रिसर्च में भी यूज होता है। हमारे जितने भी एजुकेशनल की एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हम करते हैं, उन सभी में कंप्यूटर का एक बहुत ह्यूज यूज है, बहुत ही बड़ा यूज है इसको, हम बहुत ही मतलब हर जगह पे इसका यूज होता है, एजुकेशनल रिसर्च हो चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो, दोनों में इसको हम यूज करते हैं। गाइस, अब देखते हैं मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो मेन या सबसे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। एक होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, मतलब एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर, दो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। अब हार्डवेयर के अंदर जो होते हैं, हार्डवेयर हमें जैसे बताया कि हार्डवेयर जो है वो डिवाइसेस है जो कि टचेबल है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या कहते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या है, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हमारे पास होता है, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड होता है, और उसी के साथ साथ कैमरा है, माउस है, स्कैनर है, माइक है, इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास होते हैं कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, इसी तरह और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी है हमारे पास। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस तो हमें पता ही है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कुछ लोग प्रोसेसिंग डिवाइसेस की जगह पे डायरेक्टली सीपीयू भी लिखते हैं, जो कि है ही सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये है उसका प्रोसेसिंग डिवाइस। और उसके बाद जो है मेमोरी डिवाइसेस आते हैं। मेमोरी डिवाइसेस में फिर दो टाइप जो होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होते हैं और प्राइमरी मेमोरी होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जैसे कि रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी होता है, एसएसडी
उसमें जो है SSD होता है, इसी तरह डिफरेंट और भी जो है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, वो कौन से होते हैं? वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेशली यूजर्स के लिए यूज होते हैं, यूजर्स उन सॉफ्टवेयर का यूज करता है ताकि वो अपने काम करा सके कंप्यूटर से। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, व्हाट्सएप है जो कि यूजर यूज करता है अपने काम के लिए, व्हाट्सएप है। इसी तरह फेसबुक है, कैलकुलेटर है जो कि हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर और फोन वगैरह में, ठीक है। जो यूजर अपने लिए यूज करता है उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम यानी कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए वो दरकार होते हैं। जैसे कि उसमें लैपटॉप में हम लोग विंडोज डालते हैं, विंडो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह फोन में हमारे पास फोन में जो कि एंड्रॉयड फोन्स में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर है, होते हैं हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है, कब बनाया गया था और उसकी जो मेन कंपोनेंट्स वो थे और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।